अगर आपका पीरियड 35 दिन से अधिक में आ रहा है, 35 डेज से ज़्यादा लग रहा है, यानी कि कभी 40 दिन में पीरियड आ रहा है, 45 डेज में पीरियड आ रहा है, अपने आप गर्भ रुकना मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे जो साइकिल्स होते हैं, ऐसे पीरियड्स जो होते हैं, वो यूजुअली एन ओवुलेटरी पीरियड्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर अंडा नहीं बन रहा होता है। जी हाँ, अगर आपका पीरियड 35 से अधिक दिन में आ रहा है तो यानी कि यूजुअली आपको पीरियड तो आ रहा होगा लेकिन अंडा नहीं बन रहा होगा। तो अगर आपकी साइकिल 35 दिन से ऊपर की है, 40, 45, 50 दिन की है, तो भी अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। ऐसे में अपने आप गर्भ रुकना मुश्किल होता है, ऐसे में अंडा बनने की दवाइयाँ देने की ज़रूरत आती है। तो ये तो हुई साइकिल लेंथ की बात। अब आते हैं हम आपका पीरियड कितने दिन रहता है। अगर आपका पीरियड 3 से 6 दिन रहता है तो उसे हम नॉर्मल काउंट करते हैं, परंतु अगर आपके पीरियड्स 2 दिन से भी कम आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है, या फिर 7 दिन से अधिक आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर 2 दिन से कम आ रहे हैं तो हम उसे स्कैंटी पीरियड्स काउंट करेंगे। अगर 2 दिन से कम आ रहे हैं यानी कि आपके अंदर जो हार्मोन्स की वैल्यू है वो बहुत लो चल रही है, बच्चे दाने की दीवार काफ़ी पतली बन रही है, जिसके कारण कि इम्प्लांटेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी और कंसीव करना मुश्किल होगा, उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट के साथ रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी। अगर आपके पीरियड्स 7 दिन से अधिक के चल रहे हैं यानी कि हैवी पीरियड्स हैं, तो भी यानी कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उसी के बाद आप कंसीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके 3 से 6 के दिन के बीच के पीरियड्स आते हैं, दैट इज़ ओके। अब आते हैं हम ब्राउनिश डिस्चार्ज बिफोर पीरियड्स, यानी कि पीरियड से जस्ट पहले कुछ महिलाओं को 2-3 दिन के लिए ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, जिसे हम नॉर्मल काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज रह रहा है, यानी कि आपके साइकिल्स के अंदर सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम पड़ रहा है। प्रोजेस्ट्रॉन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होता है प्रेगनेंसी होने के लिए। तो अगर आपका पीरियड से जस्ट पहले 2-3 दिन पहले स्पॉटिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, यानी कि आपके अंदर ल्यूटियल फेज डिफेक्ट है, यानी प्रोजेस्ट्रॉन की मात्रा कम पड़ रही है, ऐसे केसेस के अंदर हम जब प्रोजेस्ट्रॉन का सपोर्ट देते हैं तो पेशेंट आराम से कंसीव कर जाता है, परंतु अपने आप कंसेप्शन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मिसकैरेज का रिस्क थोड़ा हायर होता है। चौथी चीज़, हम आते हैं स्पॉटिंग के ऊपर, यानी कि पीरियड्स के बीच में होने वाली स्पॉटिंग। अगर आपको पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है तो उसे हम नॉर्मल काउंट नहीं करते। सिर्फ एक ही कंडीशन में हम उसे नॉर्मल काउंट करते हैं, कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय पे, यानी कि जब अंडा निकलता है उस टाइम पे हल्का फुल्का स्पॉटिंग होता है, जो कि उन्हें हर साइकिल में होता है और स्पेसिफिकली ओव्यूलेशन के समय ही होता है और सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है, दैट इज़ नॉर्मल, उसे हम नॉर्मल मानेंगे। परंतु उसके आगे पीछे अगर आपको स्पॉटिंग होती है या फिर रिलेशनशिप रखने के बाद में आपको स्पॉटिंग होती है, तो दैट इज़ नॉट नॉर्मल, यानी कि आपके अंदर हॉर्मोन्स हिले हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद हम आते हैं पीरियड्स के बाद होने वाली स्पॉटिंग के ऊपर। अगर आपके पीरियड्स आके ख़त्म हो जाते हैं लेकिन आपकी स्पॉटिंग कुछ दिन तक चलती रहती है, तो भी इसे हम एबनॉर्मल काउंट करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वह कम चल रहा है, जिसके कारण कि दीवार बीच बीच में शेड ऑफ हो रही है, थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग हो रहा है। ऐसे कंडीशंस के अंदर भी खुद से कंसीव करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आपके पीरियड ख़त्म होने के बाद में आपको स्पॉटिंग रहती है तो डेफिनेटली तब भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो आपके हार्मोन्स बैलेंस कर सके और आप आराम से उसके बाद कंसीव कर पाएँ। आई होप पीरियड्स के अंदर क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।